Good morning students, it is a conversation class. In the previous class we had learned about my family. So this is the second class of my family. आज की क्लास में हम लोग माई फैमिली से रिलेटेड और क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे और उनके बारे में समझेंगे. ओके, सो लेट्स बिगेन आवर क्लास. क्वेश्चन नंबर वन इज हु हेल्प्स यू इन योर होमवर्क. आपसे कोई ये भी पूछ सकता है कि आपके होमवर्क कराने में आपका हेल्प कौन करता है. घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई उनकी होमवर्क में हेल्प करता होगा. तो आपका होमवर्क में हेल्प कौन करता है, तो आप क्या बताएंगे. अगर आपकी मदर हेल्प करती हैं तो आप बोलेंगे माई मदर. अगर आपके फादर हेल्प करते हैं तो बोलेंगे माई फादर. अगर आपका भाई हेल्प करता है माई ब्रदर. सिस्टर हेल्प करती है माई सिस्टर. आंट हेल्प करती हैं तो माई आंट. तो जो भी आपकी होमवर्क कराने में आपकी हेल्प करता है तो आप उसका नाम बताएंगे. ओके, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मैनी सिस्टर्स डू यू हैव. क्वेश्चन नंबर सेकेंड पूछ रहा है हाउ मैनी. हाउ मैनी मतलब कितने. हाउ मैनी मतलब कितने. तो कितनी सिस्टर्स आपकी हैं. अगर आपकी सिस्टर्स हैं, सपोज आपकी वन सिस्टर है तो आप बोलेंगे आई हैव वन सिस्टर. ओके, सपोज आपकी टू सिस्टर्स हैं तो आप बोलेंगे आई हैव टू सिस्टर्स. उस तरीके से थ्री सिस्टर हैं तो थ्री सिस्टर्स. फोर हैं तो फोर सिस्टर्स. बट किसी किसी के सिस्टर्स नहीं होती हैं, ब्रदर्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे. अगर सिस्टर नहीं है तो आप बोलेंगे आई हैव नो सिस्टर, मतलब सिस्टर नहीं है. ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव. आपके कितने भाई हैं. आपको यहाँ पर अपने भाइयों को बताना है कि आपके कितने भाई हैं. सेम जैसे हमने सिस्टर वाला आंसर किया वैसे ही ब्रदर वाला भी आंसर करना है. तो सपोज अगर आपके एक भाई है तो आप बोलेंगे आई हैव वन ब्रदर. अगर आपके टू ब्रदर्स हैं तो आप बोलेंगे आई हैव टू ब्रदर्स. आपके अगर ब्रदर नहीं है, सिस्टर्स हैं, या सिस्टर ब्रदर कोई नहीं है तो आई हैव नो ब्रदर. ओके, जब नहीं है तो नो ब्रदर. इस तरह से आपको आंसर करना है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. हाउ मेनी मेंबर्स मतलब आपके परिवार में टोटल कितने लोग हैं. किसी की जॉइंट फैमिली होती है, किसी की न्यूक्लियर फैमिली होती है, राइट. कोई एक बड़े से फैमिली में सब लोग साथ में रहते हैं, कोई किसी की स्मॉल फैमिली होती है, छोटी सी फैमिली होती है. तो लेकिन फैमिली में कितने लोग हैं. कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं तो कितने मेंबर्स हुए, थ्री मेंबर्स. कुछ बच्चे हैं जिनकी फैमिली काफ़ी बड़ी है जिसमें सेवन एट मेंबर्स हैं, टेन मेंबर्स हैं, ट्वेल्व मेंबर्स हैं. तो जितने भी पीपल आपके साथ रहते हैं, जितने लोग आपके साथ रहते हैं, उनको आपको काउंट करना है. और काउंट करके आपको पता चलेगा कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं. सपोज आपकी फैमिली में एट मेंबर्स हैं, जब हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तो आप बोलेंगे एट मेंबर्स. ओके, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं. एक बार फिर से रिविजन करते हैं. क्वेश्चन नंबर वन, हु हेल्प्स यू इन योर होमवर्क. सपोज आपकी मदर आपके होमवर्क में हेल्प करती हैं तो आप क्या लिखेंगे, क्या बोलेंगे, माई मदर. क्वेश्चन नंबर सेकेंड, हाउ मेनी सिस्टर्स डू यू हैव. आपकी कितनी बहनें हैं. अगर आपकी थ्री सिस्टर्स हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव थ्री सिस्टर. क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ मेनी ब्रदर्स डू यू हैव, मतलब आपके कितने भाई हैं. सपोज आपके टू ब्रदर्स हैं तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव टू ब्रदर. क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली. आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग हैं. सपोज आपकी फैमिली में टेन मेंबर्स हैं तो आप क्या बोलेंगे, टेन मेंबर्स. इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर्स रिवाइज करने हैं, पढ़ने हैं. ओके, डेली पढ़ने हैं. जब आप डेली पढ़ेंगे, टेन मिनट्स भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस बाय हार्ट लर्न हो जाएंगे. ओके किड्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू क्लास.